हाय फ्रेंड, आज आप लोग को सिखाएं कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो कितना ज़्यादा कमाल का दिख रहा है। गाइस आज आप लोग को ऐसा फोटो एडिट करना आप लोग को सिखाएंगे। सबसे पहले गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। और गाइस इस टाइप का फोटो एडिट करने के सबसे पहले आप लोग को पूरा वीडियो में गाइस बनना है। अभी गाइस सबसे पहले अपना जो ओरिजिनल फोटो आप लोग को दिखा दें, अपना ओरिजिनल फोटो बहुत ही ज़्यादा खराब ओरिजिनल फोटो हमारा है, आप लोग को दिखाते हैं। आगे गाइस गैलरी में, गैलरी में आने के बाद जो हमारा फोटो है गैलरी में इसमें आने गए, जो हमारा फोटो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोटो है। ये सभी हमारा ही फोटो है गाइस, आप लोग देखिए। ये रहा गाइस हमारा ओरिजिनल फोटो, आप लोग देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हमारा ओरिजिनल फोटो, कितना रेड टोन में आप लोग देखिए गाइस, कितना ज़्यादा रेड टोन है हमारा फोटो में, कितना ज़्यादा गंदा हमारा फोटो दिख रहा है। अभी गाइस इस फोटो को हम लोग शेयर करेंगे लाइट रूम में गाइस, एक ही क्लिक में गाइस हमारा फोटो का देखिएगा कलर तुरंत चेंज हो गया गाइस इस फोटो में। ऐसा आने बाद कुछ हमारा मोबाइल ऐसा लोडिंग लेगा, शेयर वाला आइकन पे दोबारा अभी टैप कर लेते हैं, एक बार तो नहीं हुआ, अभी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए गाइस फाइनली गाइस हमारा फोटो आ गया अभी लाइट रूम ऐप में। ए रहा गाइस हमारा प्रीसेट, आप लोग गाइस देखिए एक ही क्लिक में गाइस ना हमारा फोटो कितना ज़्यादा कमाल का गाइस एडिट हो जाएगा। थ्री डॉट पैसा टाइप करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे, कॉपी सेटिंग करने बाद आप लोग आएंगे अपना जो हमारा ओरिजिनल फोटो था वो लेंगे, और अपना ओरिजिनल फोटो लेने के बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, कितना कितना ज़्यादा फर्क हो गया हमारा फोटो में, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी गाइस अपना फोटो को सबसे पहले शेयर करेंगे स्नैपचैट ऐप में गाइस, इसमें शेयर करने बाद जो हमारा फेस स्नैपचैट ऐप में गाइस शेयर करने बाद अपना कुछ हमारा फोटो शेयर करने बाद कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। खुलने बाद गाइस आप लोग को कुछ करना है, इस पर टाइप करना है, सॉरी गाइस हमारा फोटो कट गया था, इसको इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने बाद इसको आएंगे पूरा 100 कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, इसको हल्का सा इसको करके बढ़ा लेते हैं, हल्का सा इसको भी थोड़ा सा माइनस नहीं, इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि गाइस हमारा शैडो ज़्यादा था, इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने बाद कुछ इस पर आएंगे, जो इस पर टाइप कर जो हमारे फेस पे है ना रेड टोन ऐसा करके इसको इरेज कर लेंगे। देखिए गाइस ऐसा इरेज कर लेंगे तो हमारे फेस पे रेड टोन है वो सभी खत्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे फेस पे और हैंड पे वहाँ करके ऐसा इरेज कर लेते हैं। आप लोग सेम प्रोसेस करके इरेज कर लीजिएगा, जैसा गाइस हम इरेज कर रहे हैं ना ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग इरेज कर लीजिएगा। करने बाद गाइस आप लोग को कुछ निकला, अपन क्रॉप करना चाहते हो भी कर सकते हैं। अभी गाइस इस पर सेलेक्टेड टूल पे आप लोग टाइप करेंगे, जहाँ हमारा रेड टोन है ना ऐसा सेलेक्ट करके इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने बाद जो हमारा रेड टोन है वो खत्म हो जाता है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख ही सकते हैं, इसको माइनस करने बाद कितना ज़्यादा हमारा फर्क आ रहा है फोटो में। इधर गर्दन पर भी रेड टोन है, इसको भी माइनस कर लेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। देखिए माइनस कर लेना, ये भी खत्म हो गया। अभी गाइस इधर हैंड पर भी है, इसको भी कर लेंगे सेम प्रोसेस करके जैसे हम कर रहे हैं। देखिए ऐसा ही सेम प्रोसेस करके जहाँ हमारा रेड टोन है वो ख़त्म हो जाओ वहाँ वहाँ करके ऐसा करके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा गाइस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी किला टिप क्लिक करके दोनों को हल्का हल्का करके बढ़ा लेते हैं, नीचे वाले को 26 कर लेते हैं और ऊपर वाले को थोड़ा सा इसको भी बढ़ा लेते हैं 33 करके। दोनों को बढ़ाने बाद अपना फ़ोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क ऐप में गाइस। देखिए इसमें शेयर करने बाद आप लोग को दिखाते हैं, ये वाला गाइस ब्रश से आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा। अभी गाइस ऑटोडेस्क ऐप में गाइस आने बाद एक बार और शेयर करना पड़ेगा। अभी गाइस दोबारा शेयर कर लेते हैं अपना फ़ोटो को, इसमें गाइस ऑटोडेस्क ऐप में गाइस आने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, इसको आप लोग को दिखाते हैं कौन सा ब्रश आप लोग स्मूथ करेंगे तो बहुत अच्छा स्मूथ होगा। ये वाला ब्रश आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते, ये वाला ब्रश ले लेंगे, इसका सेटिंग आप लोग देख सकते, इसको 4 करके रख लेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ होता है फेस। देखिए ऐसा करके आराम से अपना फेस को स्मूथ कर लेंगे, जैसे हम स्मूथ कर रहे हैं सेम सेटिंग करके आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्मूथ होता है। आप लोग देखिएगा इस कितना ज़्यादा कमाल का गाइस हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा, ऐसा आराम आराम से गाइस स्मूथ कर लीजिएगा। तो फाइनली गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए गाइस वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी करके स्मूथ अपना कर लेते हैं फेस को आप लोग गाइस, बहुत ही आराम से तरीके आराम आराम से गाइस स्मूथ कीजिएगा, तभी गाइस हमारा जैसा स्मूथ करना आप लोग भी सीख जाएंगे। तो आराम से गाइस आप लोग स्मूथ करेंगे बहुत अच्छा इसे रिजल्ट आप लोग को गाइस देखने को मिलेगा, आप लोग देखिए गाइस आराम आराम से कीजिएगा। तो चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, सबसे पहले कि वीडियो आने के बाद आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप लोग सबसे पहले वीडियो वॉच करके आप लोग भी हमारे जैसा एडिट करना आप लोग भी सीख जाएंगे। देखिए गाइस ऐसा करके स्मूथ कर लेते हैं सभी जगह, जैसे हम स्मूथ कर रहे हैं ऐसा गाइस फोटो एडिट करने का बहुत ही आसान तरीका है गाइस, आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत आराम से आप लोग सीख जाएंगे हमारे ऐसा सेम फोटो एडिट करने के लिए।
तो गाइस आप लोग आराम आराम से स्मूथ करिएगा, क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए गाइस हम जल्दी जल्दी करके स्मूथ कर ले रहे हैं। आप लोग गाइस आराम आराम से स्मूथ करिएगा, जैसे हम आराम से कर रहे हैं ना, आप लोग गाइस आराम से कीजिएगा, क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसके लिए गाइस हम जल्दी जल्दी करके इसको स्मूथ कर ले रहे हैं। आप लोग गाइस देख ही सकते हैं हमारा स्मूथ हो गया, थोड़ा सा पैर में बचा है, इसको भी कर लेते हैं। करने बाद आप लोग को दिखाते हैं कितना कमाल गाइस हमारा फोटो स्मूथ हुआ है। आप लोग गाइस पूरा लास्ट वीडियो में बने रहिए, आप लोग को देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रीसेट तो गाइस बहुत बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रीसेट है। आप लोग ये प्रीसेट यूज करेंगे तो बोलेंगे क्या भाई प्रीसेट हमको दिए हो। तो अभी गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, अभी गाइस अपना फ़ोटो को सेव कर लेना। फर्स्ट सेव करने बाद अपना फ़ोटो को शेयर करेंगे फोटो रूम में। गाइस आने बाद अपना फ़ोटो को ब्लर करेंगे, देखिए इस पर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो को शेयर कर लेंगे। देखिए फोटो रूम ऐप में गाइस शेयर करने बाद शेयर कर लेंगे गाइस फोटो रूम ऐप में। गाइस आने बाद आप लोग को कुछ इंटरफेस इस टाइप का खुलेगा। आप लोग गाइस डाटा ऑन करके ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस हमारा डाटा ऑन नहीं है ना, इसके लिए ब्लैक पार्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोग गाइस डाटा ऑन कर लीजिएगा तो आप लोग को ऐसा कुछ स्कैन करेगा। आप लोग डाटा ऑन करके करेंगे तब ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप लोग गाइस देख सकते हैं इसमें गाइस आप लोग करने के लिए ब्लर वाला आइकन पर टाइप करना है। टाइप करने बाद कुछ आप लोग को कुछ नहीं करना है सेटिंग में, इसको ब्लर वाला आइकन पर फिर टाइप करके नीचे ब्लर वाला आइकन पर आ जाएंगे, दूसरे नंबर को ले लेंगे। आप लोग जितना ब्लर करना चाहते हैं अपना बैकग्राउंड में, आप लोग गाइस उतना ब्लर कर सकते हैं। हमको तो इतना ही 29 करके ब्लर करना है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है हमारा फ़ोटो। इतना करके गाइस हम ब्लर कर लेते हैं। देखिए गाइस जैसे हम ब्लर कर रहे हैं, आप लोग भी गाइस वैसा ब्लर कर सकते हैं। तो अपना फ़ोटो का भी गाइस शेयर करेंगे पिका टैब में। गाइस अपना फ़ोटो को शेयर कर लेंगे, देखिए शेयर वाला आइकन पर टाइप करके ना अपना फ़ोटो को पिका टैब में। गाइस शेयर करने बाद कुछ हमारा इंटरफेस इस टाइप का खोलेगा, जो फ़ोटो गाइस फ़ोटो रूम ऐप में गाइस सेव किए थे वो फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो को लेने बाद एरा गाइस हमारा फ़ोटो देख सकते हैं, जो उसको फ़ोटो को सेव किए थे। इसको फ़ोटो को लेने बाद उसको छोटा करना, करने बाद छोटा करके इसको कुछ ऐसा जूम कर देंगे। जूम करने बाद कुछ पेंसिल आइकन पे ऐसा टाइप करके बस अपना बैकग्राउंड पे ऐसा करके डुलाएंगे, तो हमारा बैकग्राउंड देखिए ऐसा ब्लर हो जाएगा। कितना अच्छा अपना हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। आप लोग भी गाइस ऐसा आराम से करके अपना बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। ऐसा करके सेम गाइस प्रोसेस करके अपना बैकग्राउंड को ब्लर कर लीजिएगा, जैसे हम ब्लर कर रहे हैं ना, ऐसा गाइस सेम प्रोसेस करके आप लोग भी गाइस ब्लर कर लीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। आप लोग गाइस देख सकते हैं ब्रश को छोटा बड़ा करके आप लोग गाइस बहुत आसान तरीके से आप लोग ब्लर कर सकते हैं। देखिए ऐसा करके अपनी फ़ोटो का भी डन कर देना है। दो गाइस दो तीन PNG आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। अभी गाइस हेयर को थोड़ा इसको उठा लेते हैं, हेयर गाइस हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा है। देखिए ऐसा आराम आराम से करके अपना हेयर को थोड़ा उठा लेते हैं, हेयर की भी गाइस हमारा बहुत देखे बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहा था। अभी गाइस ऐसा करके हेयर को उठा लेंगे तो कितना अच्छा हमारा हेयर लग रहा है। आप लोग गाइस तो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कमाल का गाइस हमारा हेयर लग रहा है। अभी गाइस हेयर को उठाने बाद अभी कुछ डन वाला आइकन पर क्लिक कर डन कर देंगे। आप लोग गाइस अभी कुछ नहीं करना, दो तीन PNG आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। आप लोग गाइस वहाँ से बहुत आसान तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग भी इस PNG का लिंक मिल जाएगा, आप लोग गाइस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इस पे रहा गाइस हमारा PNG, एक ही PNG गाइस यूज किए हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल के गाइस PNG है। देखिए गाइस ब्रोकन का इसमें गाइस दिल टूटा का PNG है। हेयर पैसा कुछ लगा लेंगे, लगाने बाद अपना फ़ोटो देख सकते हैं। अभी गाइस कुछ नहीं करना इसमें। अभी गाइस एक और हमारा PNG है, इसको भी PNG का और दो तीन PNG आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ कैसा करके बिठा लेंगे, इसको कुछ आएंगे, इसको थोड़ा एपसिटी को कम करने बाद कुछ इस पाएंगे ब्लेंडिंग पे कर टाइप करके टाइप करने बाद आप लोग इस पे कर लेंगे दूसरे नंबर पे, दोनों को ब्लेंडिंग पे टाइप करके। देखिए इसको थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, फिर से गाइस ब्लेंडिंग वाला आइकन पे टाइप करके ना इसको तीसरे नंबर पे करके रख लेंगे। देखिए गाइस तीसरे नंबर पे करके रखने सॉफ्ट लाइट पे कर लेंगे, जो हमारा ये वाला नीचे वाला PNG है इसको 100 कर देंगे। देखिए गाइस ऐसा 100 करने बाद देखिए कितना ज़्यादा कमाल का गाइस हमारा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा करके सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लीजिएगा। देखिए ऐसा जो नीचे वाला हमारा जो PNG है ना, इसको साइड किए थे, इसको ले लेंगे, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे। आप लोग ऐसा बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए गाइस हमारा ब्रोकन कितना अच्छा दिख रहा है, जो लिखा है उस कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा सेम गाइस प्रोसेस करके अपना फ़ोटो को PNG को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी गाइस इस पर टाइप करेंगे, गाइस टाइप करके अपना फ़ोटो को ऐसा कुछ PNG को ऐसा जूम करके आप लोग को फिर से गाइस पेंसिल आइकन पर टाइप करके डाटा ऑन करके इसको पे टाइप कर देंगे, तो हमारा जो फेस पे आएगा जो बूंदी बूंदी सा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर से गाइस जहाँ जहाँ नहीं ख़त्म होगा ऐसा कुछ इरेज कर लेंगे जो हमारा फेस पे है,
देखिए गाइस ऐसा करके इरेज कर लेंगे, जैसा हम इरेज कर रहे हैं ना सेम प्रोसेस करके ऐसा करके इरेज कर लेंगे। देखिए ऐसा करके जैसा हम इरेज कर रहे हैं ना ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग इरेज कर सकते हैं। देखिए ऐसा इरेज कर लेंगे आप लोग पूरा फोटो पैसा करके इरेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल के गाइस हमारा फोटो एडिट हो गया। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिट होने के बाद कुछ इस टाइप का आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तभी गाइस अपना फोटो को कुछ नहीं करना, अपना फोटो को सेव कर लेंगे। सेव वाला आइकन पर टाइप करके ना देखिए इस पर थोड़ा सा लाइट पर आएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हमारा फोटो में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ जाता है। फिर से गाइस इसको भी थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे, इसको भी दोनों को बढ़ाने के बाद फिर इसको भी थोड़ा सा हल्का सा माइनस या प्लस अपना फोटो के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग सेटिंग करके करेंगे, पेंसिल आइकन पर टाइप करके सेम वही प्रोसेस कर देंगे। हमारा फोटो देखिए कितना अच्छा दिखने लगा अभी। तो गाइस फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिट हो गया। एडिट होने के बाद आप लोग यहाँ से फोटो अपना क्रॉप कर लेंगे इंस्टाग्राम साइज का। यहाँ पर क्रॉप करने के बाद फिर से डन वाला आइकन पर टाइप करके जो हमारा इधर पेंसिल का आइकन दिख रहा है यहाँ से आप लोग फोटो सेव करेंगे। बहुत HD क्वालिटी में हमारा फोटो सेव होता है। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो एडिट हो गया, आप लोग को गैलरी में दिखाते हैं। तो आशा करते हैं गाइस आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा गाइस हमारा फोटो एडिट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। आशा करते हैं गाइस वीडियो बहुत अच्छा होगा। आप लोग गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। देखिए गाइस कितना कमाल गाइस हमारा फोटो लग रहा है, आप लोग गाइस देख ही सकते हैं कितना औसम हमारा फोटो एडिट हुआ है आप लोग को सामने गाइस। तब तक मिलते हैं।